उत्तर प्रदेश के रामपुर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनका साथ देती तो वे जीती हुई सीट को देते, यानी कि सीट हो जाती भारतीय जनता पार्टी की 8। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ षड्यंत्र रच की, उन्हें ही हरवा दिया। ऐसा कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष सिंह खेरा का। उन्होंने कहा कि है उनकी पत्नी को 1521 वोटों से विजयी मिली थी, लेकिन रातों रात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा खेल किया कि वह जीती हुई सीट हार गई। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 34 वार्डों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष खेरा की पत्नी इंद्रजीत कौर मैदान में थी, लेकिन खेरा का आरोप है कि मतगणना पूर्ण होने पर उनको विजयी घोषित किया, लेकिन रातों रात ऐसा खेल खेला गया कि जो उन्होंने 1521 वोटों से विजय प्राप्त की थी वो हार में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि जो निर्वाचन अधिकारी था वो अपनी पूरी काउंटिंग वाला जो बैग था वो अपने घर ले गया, क्या मामला था वो? देखिए, मैं कई दिनों से मीडिया के सामने आ रहा हूँ और हाई कोर्ट में मैं रिट पिटीशन डाली है और एविडेंस के साथ गया हूँ और एक एक एविडेंस, क्योंकि न्यायपालिका में कुछ एविडेंस दिए जाते हैं जो मीडिया के सामने मैं रखना, आरओ सारा रिकॉर्ड लेकर घर चला गया और उसके बाद उसने इतनी भारी उसमें छेड़छाड़ की, कटिंग कर करके मेरे 1521 वोटों को घटा बटा कर हारे हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दिया। ये आरओ के पीछे वो बेनकाब करने वाले चेहरे हैं जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं जमीन से उठकर संघर्ष करता हुआ पार्टी में ईमानदारी से काम करता हूँ, चाहे मेरा कोई विपक्षी हो चाहे मेरा विरोधी हो, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि संतोष सिंह खैरा कहीं बेईमान है और जहाँ उसका व्यवहार बेईमान है। मेरी छवि जनता में जो है मेरे विरोधी, ये तो कह सकते हैं कि संतोष सिंह खैरा हमारा विरोधी है, पर ये नहीं कह सकते संतोष सिंह खैरा बेईमान है। अगर हम खेरा की माने तो खेरा ने ऐसे आरोप लगाए हैं, लेकिन अब खेरा पूर्ण तरह से भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हुए। उन्होंने बातों बातों में साफ कह दिया कि अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता जो फैसला करेगी वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा, चाहे वो पार्टी के पक्ष में हो या पार्टी के विपक्ष में। बहरहाल खेरा क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। अपने हार से दुखी खेरा पार्टी पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन एक और ये भी कहते हैं कि अगर पार्टी से न्याय नहीं मिला तो वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता जो फैसला करेगी चाहे वो पार्टी के विरोध में हो या पक्ष में, वे पूर्ण तरह जनता का सम्मान करेंगे। आइए जानते हैं खेरा ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और न्यायपालिका मेरे साथ न्याय करेगी, जनता मेरे साथ। अब इस समय जनता ने ना पार्टी, हर वर्ग इस समय झूठ सच की लड़ाई में जनता मेरे साथ है और मुझे न्याय की उम्मीद अब अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी है, जिसमें मैंने छोटी उम्र से 20-21 साल से लेके आज 45-46 साल की उम्र में मैंने भाजपा के लिए अपना जीवन कुर्बान करा है और मेरे साथ इतना गलत व्यवहार हुआ। 2017 में मैंने विधानसभा बिलासपुर से टिकट मांगा था, लेकिन उसके टिकट मुझे ना मिलके माननीय सरदार बलदेव सिंह गौलख जी को टिकट मिला था। मैंने पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ा और उन्होंने मुझे अपना चीफ एजेंट भी बनाया और चीफ एजेंट ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिस पर पूर्ण विश्वास होता है। मैं ईमानदारी के साथ आज तक पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटा, तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित रहता हूँ। अब मुझे न्याय दिलाने के लिए जहाँ न्यायपालिका वहीं पार्टी के बड़े नेताओं के जहाँ जाकर गुहार लगाऊंगा और इंसाफ की मांग करूंगा और मुझे उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, और यदि इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने समर्थकों, क्योंकि इस समय COVID-19 चल रहा है और मैं रिट पिटीशन में जा चुका हूं, इसमें कुछ समय लगेगा, मैं मीडिया के सामने विद सबूत नाम लूंगा और अगर नया नहीं मिला तो अपने सब समर्थकों के साथ मिलकर आगे के लिए जो फैसला सच का होगा जनता के साथ। जनता ने मुझे यहां तक बताया, वार्ड संख्या 2 की जनता ने मुझे जिताया, जो लोग सब
मुझे साथ देंगे और राय देंगे, उसके बाद मैं किसी भी निर्णय लेने में हिचकूंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष सिंह खेरा एक बार फिर पार्टी को तो विश्वास जता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जबरदस्ती हुई हार को हाईकोर्ट तक ले गए और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें उम्मीद है कि न्याय पालिका से उनको न्याय मिलेगा। बहरहाल अब उनको कैसा न्याय मिलेगा और जानिए कि वो हाईकोर्ट उन्हें क्यों जाना पड़ा। आइए सुनते हैं संतोष सिंह खेरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष खेरा ने अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं ने ही उन्हें हरवा दिया। बहरहाल उन्हें पार्टी से भी उम्मीद है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है कि शायद उन्हें न्यायपालिका से न्याय मिल सके। रवि सक्सेना, रोहिलखंड समाचार, रामपुर। देखिए कोई ऐसे नेता भी हैं देखिए जिनसे आपने गुहार लगाई थी। देखिए मैंने भाजपा के छोटे से बड़े नेताओं तक, बड़े नाम वाले नेताओं से गुहार लगाई, उसमें कुछ ने मेरी मदद करी और कुछ ने मुझे अंतिम समय पे मेरा साथ छोड़ दिया। पर आज मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। जिस प्रकार रिजल्ट आने के बाद मैं रिट पिटीशन दायर करने के बाद सबूतों के साथ आया था, मैं आपके बीच में आपसे वादा करता हूँ मैं नाम लेकर आऊँगा, सबूत लेकर आऊँगा और एक एक नाम को बेनकाब करूँगा। पर मुझे विश्वास है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी खुद ही समीक्षा बैठक बुलाकर नाम उजागर कर देगी। हो सकता मुझे नाम अपने मुंह से ना कहना पड़े।